डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर, माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, इंडिया में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, हर पार्टी कोई ना कोई गारंटी आपको दे रही है। सो माय करियर, माय फ्यूचर को ये लगा कि एडमिशंस का माहौल चल रहा है, सो एडमिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कोई ना कोई एश्योरेंस या गारंटी आपको दी जाए। गारंटी का मतलब दो तरीके का होता है। एक गारंटी, अगर सरकार ने कोई प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उसका है उस डायरेक्शन में काम करने का, और अगर वो आपको गारंटी देती है तो उस गारंटी में दम है, उस गारंटी में वजन है। लेकिन अगर किसी डायरेक्शन में कोई काम ही नहीं और मैं आपको बड़े बड़े दावे करते देता हूँ, सो कल को दावे पूरे होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, उस गारंटी में कोई वजन नहीं होता। मैं आपको माय कैरियर माय फ्यूचर की तरफ से एश्योरेंस गारंटी देता हूं कि वो पेरेंट्स जो एनआरआई हैं, जिनके बच्चे एनआरआई हैं, या अगर आपके पास जेन्युइन एनआरआई स्पॉन्सर्स हैं, तो इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जहां जहां पर भी एनआरआई कोटा है, सो वहां पर आपको कहीं ना कहीं एडमिशन आपके लिए जरूर हम सिक्योर करेंगे। ये हमारी एश्योरेंस, ये हमारी गारंटी आप लोगों के लिए रहेगी। इस गारंटी के पीछे, इस कॉन्फिडेंस के पीछे प्रीवियस स्ट्रांग प्रीवियस रिकॉर्ड है, जहां पर 100% हमें सक्सेस मिली है, हमारा कोई भी केस आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ। सो मैं टीम को बोलूंगा कि स्क्रीन पर उन बच्चों की लिस्ट दिखाए एनआरआईज की जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले हैं, वो भी एनआरआई कोटा के थ्रू। सर, ये तो जॉर्जिया और रशिया के बच्चों की लिस्ट लग रही है। आपको भी हैरानी हुई होगी कि मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा के थ्रू सीट्स को लेकर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो मैं दिखा रहा हूँ जॉर्जिया, रशिया या किसी और कंट्री के एडमिशन। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, मैं उस डायरेक्शन के से रिलेटेड ही आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊं। सो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक्चुअल लिस्ट है वो आपको दिखाई। ये मैंने लिस्ट आपको जानकर दिखाई थी टू अट्रैक्ट योर अटेंशन। सो आपने देखा स्क्रीन पर उन सारे बच्चों की लिस्ट जिनको हमने 100% एडमिशन करवाया। अब मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा, हमारी गारंटी इसी बेस पर है। सरकार आप कोई भी चुनेंगे, 5 साल बाद आप दोबारा चेंज कर पाएंगे। अगर आपने काउंसलर गलत चुन लिया, वो आपको कल ऐसा ना हो कि जो 60-70% रिजेक्शन होता है उस लिस्ट में आपको खड़ा कर दे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। सो आप एक अच्छा और जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसा काउंसलर आप सेलेक्ट करें। सो एनआरआई कोटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मीन्स माई करियर माई फ्यूचर।